ये है गाइस वोल्टास का 277 लीटर का डीप फ्रीज़र। मैं आपको इस डीप फ्रीज़र के बारे में सारी खास बात बताऊंगा और मैं आपको और भी डीप फ्रीज़र के बारे में बताऊंगा जो वोल्टास के मार्केट में आते हैं और उनमें भी आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है। तो गाइज़ ये वाला डीप फ्रीज़र जो कि CVF320DD है, ये कन्वर्टेबल है, मतलब आप इसे फ्रिज और फ्रीज़र दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो। नीचे एक नॉब दे रखा है, उसे आप टेम्परेचर भी दोनों का एडजस्ट कर सकते हो। अंदर से आप देख सकते हो ये पूरी वाइट फिनिश है और अंदर से इसके कंपार्टमेंट कनेक्टेड हैं। ऊपर आपको दोनों उस पर लॉक भी दे रखे हैं और ग्रे एम्बोस्ड मेटल शीट हैं जो कि सालों साल आपकी चलेंगी और दिखने में भी प्रीमियम लगती हैं। एक बास्केट मिलती है आपको अंदर और ये आपको चाबी दे रखी है दोनों लॉक्स की, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो ये कौन एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे गाइस आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ये कन्वर्टेबल है, आपको फ्रीज़र मोड में क्या रखना है और कूलर मोड में क्या रखना है। तो गाइस ये आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बेवरेजेस आपको कूलर मोड में स्टोर करनी है और फ्रीज़र में क्या करना है वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से यूज़ करना पढ़ने के बाद सारा। यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो फ्रीज़र का और कूलर का, जिस भी मोड पे आप सेलेक्ट करोगे। R290 इसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है और ये साइक्लोपेंटेन का यूज़ इंसुलेशन के लिए होता है डीप फ्रीज़र में। तो गाइज़ ये आप देख लो, ये हिंजेस हैं, ये भी आपके स्प्रिंग वाले हैं जिससे कि आप आराम से उसे उठा सको और रख सको। और इसके बेस पे भी आपको व्हील्स मिलते हैं। ये आप पावर कॉर्ड देख लो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी लंबी है, 3 पिन वाली है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, एंटी करोसिव बॉडी है। इसे आप पॉज करिएगा, सारे स्पेक्स यहाँ पे आप पढ़ लेना कि ग्रॉस वॉल्यूम कितनी है, स्टोरेज वॉल्यूम कितनी है, रेफ्रिजरेंट कौन सा है, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आप अच्छे से फिनिश देख लो इसकी कैसी लग रही है आपको। गाइस वोल्टास के 3 टाइप के और डीप फ्रीज़र आते हैं, एक आता है हार्ड टॉप, एक आता है ग्लास टॉप और एक आता है कॉम्बो कूलर वाला, और ये है कन्वर्टेबल वाला। तो कॉम्बो वाले में आप समझ गए होंगे, उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक कूलर वाला और एक फ्रीज़र वाला। और ग्लास टॉप और हार्ड टॉप वो दोनों खाली फ्रीज़र का ही काम करते हैं। इस वाले फ्रीज़र की 3-स्टार रेटिंग है, 25,000 के आसपास इसका प्राइस होता है, बहुत ही ईजिली ऑपरेट हो जाता है और डिज़ाइन भी इसका अच्छा है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के लिए गाइस मैं आदित्य विजन सुंदरपुर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी वाराणसी को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। और इनके शोरूम पे बहुत ही सारे अप्लायंस अच्छी क्वालिटी में आपको मिलते हैं, आप यहाँ ज़रूर जाइए और इनके अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, छोटे से बड़े से लेकर। आप जाइए, ज़रूर विज़िट करिए और चेक करिए।